से कश्मीर के लिए निकला है जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको ताकत देगा आपका दिया गया एक एक वोट। मैं आज शैलेश के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं जानता हूं शैलेश को आप जिता रहे, लेकिन मैं शैलेश के लिए ज्यादा समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि मैंने राहुल गांधी के साथ पैदल चल के देखा है, हर दिन 25 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप, हर दिन पिछले 82 दिन से 25 किलोमीटर रोज वो आदमी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है भारत जुड़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, ये जो नफरत फैली है वो नफरत खत्म हो जाए। वो हमारे लिए चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए चल रहा है, जमहूरियत के लिए चल रहा है। मैंने एक दिन राहुल जी से पूछा चलते चलते कि आपके पैर में छाले नहीं आए, तो बोले मतलब? मैंने कहा भैया आपके पैर में छाले नहीं आए, तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में आए। मैंने कहा हाँ मेरे पैर में तो कुछ छाले आए, लेकिन मैं तो ये सोचता चल रहा हूँ कि अभी से पैर के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान मेरे पैर में छाले नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह जो हिंदुस्तान के दिल में छाले पड़े हैं उनकी है, मैं इसलिए चल रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो शैलेश परमार सिर्फ विधायक नहीं रह जाएंगे, उस सरकार में कोई बड़ा शानदार सा कैबिनेट होगा और शैलेश परमार कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस बार वोट देने जाइएगा तो सिर्फ विधायक मान करके वोट मत दीजिएगा कि विधायक चुनने जा रहे हैं, इतनी जोर से दो नंबर, अच्छा बड़ा प्लान करके उन्होंने दो नंबर दिया होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है शाह आलम के लोग हैं, इन्हें दो नंबर, एक नंबर और तीन नंबर में मत उलझाओ, ये सब जानते हैं, सारे नंबर इनको पता है, सारे खेल इनको पता है, ये सरकार की किसी साजिश में आने वाले लोग नहीं है। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर भाजपा की लाई हुई महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो आपका किया है। याद करिए आज से 6 साल पहले जब आप आटे के डब्बे में रसोई में पैसा छुपा के रखती थी शौहर से, घर वाले से, कि बुरे दिन में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, पल्लू में बांध के रखती थी कि बच्चों के काम आएगा, लेकिन एक दिन रात के 8 बजे भाइयों बहनों टीवी चैनल पे नमूदार हुए 6 साल पहले, और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद। याद है कि नहीं? आपके पल्लू में जो बंधा पैसा था उसको उन्होंने छीना और छीन करके उद्योगपतियों के बैंक में डलवा दिया। उसके बाद यह अहमदाबाद है, यहां व्यापारी भी रहता है, छोटा व्यापारी रहता है, आपकी कमर थोड़ी सीधी हो रही थी, आप उस सदमे से उबर रहे थे कि फिर वो एक टैक्स ले आए जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी लगाई और पूरा व्यापार बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद देश थोड़ा उबरता, उससे पहले महंगाई, याद करिए कांग्रेस के शासनकाल में जो डीजल पेट्रोल 55 रुपए 58 रुपए में मिलता था, आज वो 100 रुपए के पार है। जो रसोई का तेल, रसोई गैस तो 1100 की हो ही गई, सालन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जब आप सुबह कढ़ाई में सरसों का या खाना का तेल डालती हैं ताकि सब्जी बना सके, तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो तेल 100 रुपए से सस्ता था, 70 रुपए में था, 80 रुपए में था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंचा दिया।